नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के बारे में। जी हाँ भाई, दुबई क्या सोचता है, दुबई की आगे की सोच क्या है, उसकी चाल, जिसको चाल भी बोल सकते हैं अपनी भाषा में, लेकिन इसको चाल नहीं बोलेंगे, चाल एक अलग होती है, उसमें सातिरा अंदाज होता है। हर वो देश चाहता है कि हमारी इकोनॉमी बढ़े, हमारे देश का विकास बढ़े, हम दुनिया में पॉपुलर हो, हमारा पावर हो। जी हाँ, और दुबई की सोच भी सेम ऐसी लग रही है। गल्फ देशों में आपको पता है भाई 6 कंट्रियाँ हैं। जी हाँ, 6 में दुबई सबसे ऊपर आ रहा है, आपको सबको पता है। ये जो एक्सपो 2020 होने के बाद आप देखना कि ये बूम कर जाएगा, ये यूरोपियन कंट्रियों को भी, बहुत सारे देशों को पीछे छोड़ देगा, इसकी इकोनॉमी बढ़ेगी। रूस का जो सिक्का है ना, वो देख लेना 10 सालों में डबल हो गया, तो आने वाले 2030 तक देखना इसका सिक्का कितना भारी हो जाएगा। जी हाँ, और इसका रीज़न क्या है भाई, उनकी देखिए गल्फ देश मुस्लिम कंट्री हैं, सबको पता है, उनके कानून स्ट्रिक्ट हैं, अलग अलग तरीके से हैं। हालांकि सऊदी अभी पीछा लगू बन रहा है दुबई के जैसा ही, वो भी करने की सोच रहा है, लेकिन वो इतना नहीं कर पाएगा जितना वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो एक अलग तरीके से सोचता है। दुबई एक यूरोपियन कंट्री की तरह बनता जा रहा है धीरे धीरे, आप सबको पता ही है, हर चीज़ में छूट है भाई, आप सबको पता होगा। और वही मैं बता दूँ, वही के जो शेख हैं, जो प्रधानमंत्री हैं अल मक्तूम साहब, उनका जो माइंड है ना, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का है कि आप सोच नहीं सकते। जी हाँ, देखिए सेम मैंने जहाँ तक कोशिश की है समझने की वीआई को, वीआई की सोच पता है क्या है, अमेरिका से मिलती है। अमेरिका से वैसे नहीं मिलती भाई, अमेरिका सुपर पावर कंट्री अलग है, लेकिन वो उनके उनके जैसा कोशिश कर रहे हैं कि सेम वैसी अपने देश को ऊपर लेके आए। वो नहीं कि वो हवाई जहाज बना ले, सेना, ऐसा कुछ उनका चक्कर नहीं है। टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, आर्थिक विकास की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए दुबई ने आने वाले पिछले एक साल में जो गया है उसमें कितने प्रकार के वीज़ा स्टार्ट किए हैं। वीज़ा देने के पीछे भी रीज़न है भाई, गोल्डन वीज़ा दुबई ने स्टार्ट कर दिया, सिल्वर वीज़ा 5 साल वाला स्टार्ट कर दिया, ग्रीन वीज़ा स्टार्ट कर दिया, फ्रीलांसर वीज़ा स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, और अभी मैं बता दूँ, दुबई ने एक और आपको शॉकिंग न्यूज़ मैं देता हूँ, दुबई ने एक घोषणा की है कि हम 15 साल के ऊपर वाले बच्चों को भी जॉब करने के लिए, अस्थायी जॉब करने के लिए भी छूट देंगे। जो स्टूडेंट हैं वो अपनी स्टूडेंट के साथ में जॉब भी कर सकते हैं 15 साल। हालांकि बहुत सब जगह है कि 18 साल से ऊपर नीचा काम नहीं करवा सकती कंपनी, लेकिन भाई दुबई ने ये कानून बनाने जा रही है कि 15 साल से ऊपर वाले बच्चों को हम अस्थाई वीज़ा देंगे ताकि वो जॉब कर सकें, जो पढ़ने के पढ़ाई के साथ साथ में। तो आप सोच सकते हैं, अब बहुत सारे ऐसे वीज़ा हैं जो दुबई सरकार ने अपडेट किए हैं। देखिए ये जो सिल्वर वीज़ा, ये ग्रीन वीज़ा, फ्रीलांसर वीज़ा, ये कौन से वीज़ा में मिलते हैं भाई? अभी आपने देखा होगा 5 साल वाला वीज़ा भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया देना, कितना सस्ता वीज़ा है भाई, 5 साल का वीज़ा मात्र $650 में। हालांकि उसका अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो आप समझ सकते हैं, सिल्वर वीज़ा, ग्रीन वीज़ा, फ्रीलांसर, ये जो वीज़ा है ना, ये सेम अमेरिका यूएसए का एक वीज़ा है H1B, IIT वगैरह जो अच्छे सिलेक्टेड लोग हैं, वो उस वीज़ा के माध्यम से वहाँ की कंपनियाँ उनको खींच के लेके जाती हैं और वहाँ पे उनसे काम करवाती हैं, जिससे उनको एक कम पैसे में अच्छे हाई टेक्निक लोग मिल जाते हैं। और इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग हैं भाई अमेरिका में। कल मेरी एक यूएसए में मेरे गांव का पड़ोसी है, उससे मेरी बात हुई थी, तो डॉक्यूमेंटली हिसाब से 40 लाख लोग इंडिया में बताए गए हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की यूएसए में, जो बहुत सारे इलीगल है, जिनका एम्बेसी में कोई रिकॉर्ड नहीं है। जी हाँ, तो मैं बता दूं, सेम H1B वीज़ा का क्या मतलब है भाई, जो क्रीम क्रीम है वो अमेरिका पहुंच जाते हैं, उनको आसानी से वीज़ा मिल जाता है, ग्रीन कार्ड मिल जाता है, वही वो बस जाते हैं। सेम कंडीशन ये सरकार ने इस वीज़ा को चेंज करके गोल्डन वीज़ा कर दिया। गोल्डन वीज़ा में वही सेम है, क्रीम निकाल के सब लोगों को हम यहाँ पर लेके आएंगे यूएई में, सभी देशों के, हमारा देश आर्थिक में, इकोनॉमी में, हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी में, साइबर लाइन, हर चीज़ में एडवांस टेक्नोलॉजी प्राप्त करेगा। जी हाँ, उनका मतलब यही है। अभी आपको पता है सरकार ने ग्रीन वीज़ा स्टार्ट कर दिया। ग्रीन वीज़ा का देने का क्या मकसद है, देखिए इंडिया के या बहुत सारे देशों के दुबई में लोग रहते हैं फैमिली वीज़ा सहित। पहले क्या होता था, 18 साल तक अपने बच्चे को, अपने भाई को स्पॉन्सर कर सकते थे। 18 का जैसे ही वो हुआ, या तो वो दुबई छोड़ के अपने देश आए, या फिर उनको अपना वीज़ा लेना पड़े, तो उनको एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसको बढ़ा के कर दिया 25 साल। यानी आप रह रहे हैं, आपका बच्चा 25 साल तक आपके वीज़ा पे रह सकता है, आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। और 25 साल तक का बंदा पढ़ाई तो नहीं करेगा, लगभग वो समझदार हो जाता है, तो 25 साल तक जो बंदा दुबई में रहेगा
वो फिर अपने देश आने की नहीं सोचेगा, वो सोचेगा यार यहीं सेटल हो जाते हैं, यहीं काम कर लेते हैं। यानी उसकी प्रतिभा, उसको टेक्नोलॉजी, उसकी जो शार्प माइंड है, वे सरकार ने ये सोचा है कि इस बंदे को यहीं रखेंगे। 25 साल तक जो बंदा रह जाएगा वो फिर अपने देश नहीं आएगा, वो वहीं पे जॉब करेगा जैसे उसके फादर जॉब कर रहे हैं। तो वहीं उसकी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो वे सरकार काम में लेगी, समझ गए बात को। इसीलिए उस वीज़ा को बढ़ा के 25 साल कर दिया। उस वीज़ा में देखिए, जो विधवा महिलाएं हैं, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, वो भी 25 साल होते ही इंडिया, उनको भी एक साल का वक्त और दे दिया गया है कि भाई आपके 25 साल हो गए, रिस्पॉन्सर वीज़ा पे आप नहीं रह सकते, एक साल तक आप अपना जॉब खोज सकते हैं, अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। हालांकि वीज़ा ख़त्म होने के बाद एक महीने का वीए में टाइम मिलता है, आप सबको पता ही है, लेकिन उसको भी वीए सरकार ने बढ़ा दिया है। तलाकशुदा महिलाएं, विधवा महिलाओं को भी एक साल का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है कि भाई वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी वो एक साल तक रह के कोई भी कंपनी में वो जॉब सर्च कर सकते हैं, अपना वीज़ा लगवा सकते हैं, इलीगल नहीं माना जाएगा उनको। जी हाँ, उसके बाद में और जो वर्कर थे, जो वर्क परमिट में थे, कंपनियों में काम कर रहे थे, कोई कंपनी ने निकाल दिया, इस्तीफा दे दिया, कंपनी चेंज करनी है, तो उसके ऊपर एक मेंटली बोझ था कि एक महीना है तेरे पास बचा, एक महीने में सेटल हो जाएगा तो ठीक है, वरना तू इलीगल हो जाएगा, रोज़ तेरा फाइन बढ़ेगा या फिर तुझे अपने देश जाना पड़ेगा। तो ये एक भारी बोझ से जनता को, पूरी जनता को हटा के उनको 3 महीने से लेके 6 महीने तक का टाइम दे दिया। भाई बहुत होता है, एक बंदे को जिसको 30 दिन मिल रहे थे उसको 80 दिन दे दिए। आप सोचिए, वे सरकार की सोच देखिए कितनी है कि वो बंदा, हम नहीं चाहते कि वो वे छोड़ के अपने देश जाए, हम ये चाहते हैं कि उसकी, उसका वर्क, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी कार्य करने की क्षमता, वो यहीं काम, यहीं रह के यहीं काम करे ताकि हमारे देश की उन्नति में उसका सहयोग हो। जी हाँ, तो आपको ये बातें समझ में आई भाई, वे की आगे चाल के यही होने वाला है, वे एडवांस टेक्नोलॉजी पे, एडवांस सोच के साथ में आगे बढ़ रहा है। और आने वाली 2030, तो सऊदी तो अलग बात है, 2025 तक देख लेना भाई, 3-4 साल बचे हैं अभी, ये 2021 खत्म है, 4 साल के अंदर देख लेना वे सरकार की कहाँ तक उसकी करेंसी पहुँचेगी, क्या होने वाला है आपके सामने होगा ये, क्योंकि वो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि देखिए, किसी भी देश का विकास कब होता है, जब विकास ऐसा नहीं होता कि एक कमरा पैसों का भरा हुआ है, वो खराब हो जाएंगे वो पैसे, लेकिन उनको इस्तेमाल करने का तरीका होना चाहिए, टेक्नोलॉजी, आइडिया, लोगों का दिमाग, उनकी मेहनत, वो साथ में होती है तो फिर वो देश उन्नति करता है। तो सेम भी ने ऐसा सोच रखा है। ये जो 5 ईयर्स वाला वीज़ा है वो भी सभी लोगों के लिए अलाउ कर दिया, उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड है तो वीडियो जरूर देखिए। आई होप ये वीडियो जानकारी अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।